बादल बादल अभी मैं तो स्टार्ट कर रहा लगा के बादल लग गया है। शुरू करें अभी नहीं ऋषभ ऋषभ सर मैं भैया रुकिएगा क्यों और भी आ रहे अपने शांति भारत माता की इंकलाब इंकलाब सदन में आओ सदन में आके सदन में आओ सदन में आके वोट कराओ वोट कराओ वोट कराओ सदन से भागना बंद करो बंद करो बंद करो लोकतंत्र की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो संविधान की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो अरे लोकतंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सभी पत्रकार बंधुओं ने मीडिया जगत ने पूरी दिल्ली और पूरे देश को ये दिखाया और बताया कि आज किस तरीके से 151 की संख्या आम आदमी पार्टी के पक्ष में होने के बावजूद 151 की संख्या आम आदमी पार्टी का मेयर जिताने की संख्या होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिसके पास मात्र 113 वोट थे उन्होंने सदन में गुंडागर्दी करके गाली गलौज करके हमारी महिला पार्षदों को अपमानित करके आज सदन की कार्रवाई को फिर से स्थगित कराने का काम किया। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर शुरू कर दिया है। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की अगुवाई में पूरे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का काम किया। ये 2 करोड़ लोगों के जनादेश का अपमान है। ये भारत के लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई है। ये भारत के संविधान को तार तार करने की कार्रवाई है। हमारे 151 वोट सदन के अंदर अभी तक मौजूद थे, आपके सामने भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज साबित कर दिया कि वो एक भगोड़ा पार्टी है, सदन छोड़ के भाग गई। ये खतरनाक प्रयोग है। ऐसे तो ये विधानसभा में हारेंगे, सीएम का चुनाव नहीं होने देंगे, लोकसभा में हारेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होने देंगे, एमसीडी में हारे हैं, मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसी सदन में बुरी तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में पराजित करने का काम करेंगे। आतिशी जी, देखिए आज पूरे देश ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करते हुए, लोकतंत्र को कुचलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। आज सबने देखा और आप सबके चैनल्स ने भी दिखाया कि आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद भाजपा की बदतमीजी के बावजूद, उनकी गाली गलौज के बावजूद वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी ने खुद बदतमीजी करी, खुद हंगामा किया और अपने ही पीठासीन अधिकारी से सेशन को स्थगित करा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस एमसीडी चुनाव में हर कोशिश कर ली, अप्रैल में होते हुए चुनाव को पोस्टपोन किया, डिलिमिटेशन अपने हिसाब से करी, गुजरात चुनाव के साथ चुनाव कराया, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता ने उनको एमसीडी से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता के जनादेश का सम्मान करना होगा। अगर दिल्ली की जनता ने उनको हराया है तो उनको विपक्ष में बैठना होगा। हम यहाँ पे रात के 8 बजे तक इंतजार कर रहे थे कि शायद एलजी साहब को ऐसी सद्बुद्धि आए, वो अपने विवेक से आज ही सेशन बुला के आज ही मेयर का चुनाव कराएं, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब के सामने भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं और वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। हम बस भारतीय जनता पार्टी से एक चीज कहना चाहेंगे, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र आपकी पार्टी और हमारी पार्टी से बड़ा है। इस देश को लोकतंत्र और संविधान देने के लिए लाखों लाखों लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया था। इस संविधान का सम्मान करिए,
इस लोकतंत्र का सम्मान करिए और दिल्ली में मेयर का चुनाव जल्द से जल्द करवाइए। दुर्गेश भाई, साथियों सबको पता है जब रिजल्ट आया तो सभी मीडिया चैनल ने दिखाया, सभी मीडिया चैनल ने ये दिखाया कि भाई आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत गई। तो जब एमसीडी में हम जीत गए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, 5 साल के लिए दिल्ली की जनता ने हमें मौका दिया है तो हमें चलाने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, मेयर चुना जाएगा, डिप्टी मेयर चुना जाएगा, स्टैंडिंग चुना जाएगा, 5 साल हम काम करेंगे। अगर 5 साल हमने काम अच्छा नहीं किया तो जनता, दिल्ली की जनता हमें बाहर बिठा देगी। लोकतंत्र तो आज तक ऐसे ही चलता था, ये कब से चलने लग गया कि अगर तुम्हारी जीत नहीं होगी तो तुम अपने मन का प्रोटम स्पीकर बिठा लोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, 10 नॉमिनेटेड मेंबर नॉमिनेट कर दोगे। तीसरी चीज, उनका सबसे पहले शपथ कराओगे और फिर आपको पता है कि उसके बाद भी आप मेयर का चुनाव हार जाओगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 151 वोट है और आपके पास 113 वोट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव हारती है तो फिर वो सरकार नहीं बनने देंगे। बड़ा मकसद क्लियर है। आज जिस तरह से आप सोचिए, इन्होंने कहा कि भाई नॉमिनेटेड पार्षद का हम शपथ पहले दिलाएंगे, हमने ऑब्जेक्शन रेज किया, हमने एक्ट की कॉपी दिखाई, हमने इनकी ही कार्यसूची दिखाई इनको कि आपकी कार्यसूची जो आपने कल रिलीज किया है उसमें ही नहीं लिखा हुआ है नॉमिनेटेड पार्षद का। उसके बाद भी इन्होंने कहा हम करवाएंगे, हमने कहा कोई बात नहीं जी, आप करवा लीजिए। शपथ भी हुआ, शपथ के बाद हमने वोट के लिए इनसे कहा कि भाई वोटर लिस्ट तो दे दीजिए, आप इस मेयर के चुनाव में किसको किसको वोटर बना रहे हैं ये वोटर लिस्ट दे दीजिए। फिर बोले नहीं, 15 मिनट के लिए स्थगित हो गया। और इस दौरान जैसे ही हमने मेयर के लिए डब्बे लगने स्टार्ट हो गए, वोटर लिस्ट की हमने मांग की, तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने गाली गलौज हंगामा शुरू कर दिया। इसका मतलब बड़ा साफ था, उनको कहा गया था कि हाउस नहीं चलने देना। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, 151 वोट हमारे हैं, 113 तुम्हारे हैं, चुनाव तो हो नहीं रहा, तो अब कैसे करोगे? क्या तरीका है? दिल्ली के जनता जो एमसीडी के अंदर है, जो दिन रात जो हमारे डे टू डे बेसिस की जो हमारी समस्या है, चाहे वो कूड़ा साफ होने की है, चाहे नाली साफ होने की है, चाहे मोहल्ले के अंदर सड़कें बनाने की बात है, जो पार्कों का रखरखाव है, जो लाइटें खराब है, उसको कौन बनाएगा? भाई 15 साल आपको मौका मिल गया, 5 साल हमारे को चलाने दो, हम अच्छा काम नहीं करेंगे, हमें जनता बाहर कर देगी। लेकिन ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो चुनाव हारते हैं तो वो गुंडागर्दी करके किसी भी तरह से या तो पहले विधायक तोड़ेंगे, पार्षद तोड़ेंगे, अगर वो नहीं टूटेगा तो सदन के अंदर गुंडागर्दी करेंगे, हंगामा करेंगे। पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली देख रही है, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। लेकिन उसके बाद भी हमारे सारे 151 लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि 15 साल आपको मौका मिला है, 5 साल हमें भी सरकार चलाने दीजिए, दिल्ली के अंदर काम करने दीजिए, दिल्ली वालों की सेवा करने दीजिए। 5 साल बाद हम खराब काम करेंगे, आपको मौका मिल जाएगा, इतना तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है कि आखिरकार जो डिसरप्शन हुआ वो किस एग्जैक्ट मोमेंट पे हुआ, क्यों कंफ्रंटेशन शुरू हुआ था? ये अगर जैसे जैसे इस अगर आप अपना ही फुटेज देखिए तो साफ नजर आता है कि कोई भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद, सारे विधायक अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे। भाजपा के पार्षद वेल में थे, उन्होंने हमारे पार्षदों को, विधायकों को घेरा हुआ था, वो चिल्ला रहे थे, वो बदतमीजी कर रहे थे, उसके बावजूद हमारे पार्षद और विधायक शांत बैठे थे, तो कोई भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। भाजपा वालों ने हंगामा किया और फिर भाजपा वालों ने उस हंगामे का बहाना बना के हाउस को एडजर्न किया। आप अपने अपने चैनल्स के वीडियो उठा के देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद, एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी कुर्सियों पे बैठा हुआ है, वो हिले नहीं है, एडजर्न होने के बाद भी बैठे रहे इस उम्मीद में
कि शायद फिर से हाउस कॉल होके वोटिंग हो जाए और दिल्ली को मेयर मिल जाए। ये धरना आप एक वीडियो देखिए, ये देखिए आपको खुद समझ में जाएगा। पहले से ये बुकलेट लेके आए हुए हैं, पहले से ये पूरी तरह से प्ले कार्ड लेके आए हुए हैं। आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद अपनी सीट पर आतिशी जी सबको हाथ रख के हाथ जोड़ रही है कि आप लोग बैठ जाइए। ये वीडियो है। ये धरना खत्म हो गया या फिर जब तक चुनाव नहीं होगा आप लोग प्रदर्शन करेंगे? नहीं, धरना कोई था नहीं, हमने कहा था 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, जब भी मर्जी हो आइए वोट कराइए। हमने अपनी मैक्सिमम लिमिट तक इंतजार किया 7:30 बजे तक, लेकिन भगोड़ा पार्टी के लोग नहीं आए, तो ये पूरा देश पूरी दिल्ली देख रही है। लेकिन जब भी चुनाव होगा ये 151 लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे, बीजेपी पूरी तरीके से हारेगी। थैंक यू। ठीक है सर, चलो।